हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स ITPMT एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माय नेम इज रोहित, और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम जेई मेन और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये बच्चों बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, और बच्चे आप इसे पढ़ें तो देखिए लिखा हुआ वेरिएबल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, यानी जो ए कॉमा बी और सी जो कॉफिशेंट हैं एक्स एंड वाई के, ये ए पी में गिवन दे रखे हैं, ठीक है। एपी एंड नॉर्मल टू अ सर्कल एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू गामा विच इज ऑर्थोजोनल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन अटैच्ड है स्ट्रेट लाइन से, सीरीज से एंड सर्कल से, और सर्कल में फॉर्मूला ऑर्थोजोनली केस का लगेगा। व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोजोनली, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन गिवेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। बेटा यहाँ हो जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, इट मीन्स ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा इक्वेशन नंबर वन, और आप इसे कंपेरिजन कर दें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू वन आ जाएगा और y का वैल्यू माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस टू। अब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस टू। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ वेरिएबल लाइन इज अ नॉर्मल टू द सर्कल, तो आपको ये पता है कि यहां पर ये जो लाइन है वो इस सर्कल की नॉर्मल है, यानी सेंटर जो है वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहां पर एक सर्कल है और उसकी ये नॉर्मल है, कौन सी लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी जो सर्कल का जो सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा लाइस ऑन दिस लाइन, तो यहां आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा। नॉर्मल जो होता है बेटा हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो ए अल्फा और यह आ जाएगा बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू। तो अब बेटा हमें अल्फा की वैल्यू वन मिल गई, बीटा की वैल्यू माइनस टू मिल गई, क्योंकि देखिए इस लाइन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा वन हो गया, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू हो गई। तो सर्कल बन गया यहां पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू गामा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई, और यहां पर बनेगा बेटा फोर प्लस वन यानी फाइव माइनस गामा इक्वल टू जीरो। दिस इज अ सर्कल, एंड सेकेंड सर्कल गिवेन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, इंटरसेक्ट ऑर्थोजोनली, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। तो टू जी वन की वैल्यू है माइनस वन और G2 की वैल्यू है माइनस टू, ठीक है, प्लस टू F1 की वैल्यू है बेटा टू और यहां पर माइनस टू, C1 की वैल्यू है फाइव माइनस गामा और C2 की वैल्यू है माइनस वन। तो बेटा हो जाएगा टू टू जब फोर माइनस एट और यहां पर फोर माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू आ गई एट, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आ चुकी है बेटा वन और बीटा की वैल्यू माइनस टू। निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी वन माइनस टू प्लस एट, तो आंसर क्या आ गया, सेवन।
आप इसे नोट कर लीजिए, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है, एंड सीरीज, कॉम्बिनेशन हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ ए इक्वल टू जेड सच दैट मोड जेड माइनस टू आयोटा इक्वल टू मोड जेड माइनस सिक्स आयोटा एंड बी इक्वल टू गिवेन है जेड सच दैट आर्गुमेंट जेड माइनस फोर आयोटा इक्वल टू पाई बाई फोर, रियल जेड इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी जेड इक्वल टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए लेस देन इक्वल टू सिक्स comma b less than equal to 6, then find the number of a union b, ठीक है, number of a union b, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि कितने पॉइंट्स बनेंगे a union b में। तो सबसे पहले हमें ए सॉल्व करना होगा, फिर बी, और देखिए जेड रियल जेड एक्स की जगह हमें ए यूज करना है और इमेजिनरी जेड वाई की जगह क्या यूज करना है, बी, यानी एक्स जो है वो ए है और जो वाई है वो बी है। तो देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू क्या गिवन है, ए इक्वल टू दिस वन, तो यहां पर ए इक्वल टू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बेटा फॉर ए, फॉर सेट ए, देखिए यहां पर गिवेन है मॉड जेड माइनस टू आयोटा इक्वल टू मॉड जेड माइनस सिक्स आयोटा। तो जेड की वैल्यू यहां पर कितनी दिखा रहे हैं बेटा, जेड यहां पुट कर दीजिए ए प्लस आयोटा बी, देखिए रियल जेड ए है इमेजिनरी जेड बी है, तो बेटा यहां पर ए प्लस आयोटा बी पुट करेंगे तो जाएगा ए माइनस टू प्लस आयोटा बी माइनस टू और इक्वल टू ए माइनस सिक्स प्लस आयोटा बी माइनस सिक्स, रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा ए माइनस टू का होल स्क्वायर बी माइनस टू का होल स्क्वायर ए माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी इक्वल टू एट, इक्वेशन नंबर वन। और देखिए गिवन है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और a लेस देन इक्वल टू 6, b लेस देन इक्वल टू 6, तो देखिए a प्लस b की वैल्यू 8 है तो सेट a कितना बनेगा, देखिए 2 कॉमा 6, 6 कॉमा 2, 3 कॉमा 5, 5 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 4, तो ये हो गया ए का वैल्यू, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ बेटा। अब सेकंड केस दिया हुआ है, बी जो है आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो बी क्या है फॉर सेट बी, फॉर सेट बी, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्गुमेंट जेड माइनस फोर आयोटा पाई बाई फोर, यानी बेटा यहाँ पर होगा आर्गुमेंट ए माइनस फोर, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन बी माइनस फोर इक्वल टू पाई बाई फोर, और जानते हैं आप आर्गुमेंट क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी यानी बी माइनस फोर अपॉन ए माइनस फोर इक्वल टू पाई बाई फोर, तो बेटा हो जाएगा b माइनस फोर अपॉन ए पाई बाई फोर इक्वल टू टेन पाई बाई फोर यानी 1।
तो देखिए b माइनस फोर अपॉन ए माइनस फोर इक्वल टू वन, यानी a इक्वल टू b आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस फोर इक्वल टू ए माइनस फोर, ए इक्वल टू बी आ गया। क्लियर हुआ बेटा? यहां पर हमें क्या मिला, a इक्वल टू बी, और a और b जो है लेस देन इक्वल टू सिक्स है और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहां पर आप जानते हैं कि आर्गुमेंट में एक कंडीशन होती है कि ये वैल्यू वन जब ही बनेगी जब b जो है वो फोर से बड़ा होगा, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाएगा, और a की वैल्यू भी फोर से बड़ी होगी, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पाई बाई फोर है ना, तो ये क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो सिर्फ यही कंडीशन काम नहीं आती है बेटा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इक्वल टू बी ले लेते हैं, सेट बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू फोर से ग्रेटर देन भी होनी चाहिए, नहीं अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ए इज ग्रेटर देन फोर, बी इज ग्रेटर देन फोर, अदरवाइज यहाँ पर निगेटिव मिलेगा। तो b की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू भी 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो सेट b कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ से b सेट, अगर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 4 से बड़ी है तो यहाँ पर बनेगा सेट 5,5 और 6,6। तो nb कितने बन जाएंगे, 2, और na कितने बने थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो n ए यूनियन बी पूछा जा रहा है आपसे, तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए ये 5 पॉइंट्स हैं एन ए, 1, 2, 3, 4, 5, और एन ए यूनियन बी कितना बनेगा, 7 पॉइंट्स, और दोनों में कोई कॉमन है, नो, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो आंसर बेटा एन ए यूनियन बी इक्वल टू 7 लिखा जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बात करें तो एन ए 5 सेट्स बन रहे हैं और एन बी 2 सेट्स बन रहे हैं, तो एन ए यूनियन बी कितना होगा, 7 सेट्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हूज साइड्स आर given by the equations x minus 2y plus 3 equal to 0, 2x minus 3y plus 5 equal to 0, 4x plus 2y plus 7 equal to 0 is, ठीक है। अब देखिए दिस क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन राइट एंगल थ्योरम। अगर देखिए अगर ये साइड्स कोई राइट एंगल बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करती हैं, तो जहां पर 90 डिग्री होगा वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है। तो देखिए क्या इसमें पहले चेक करेंगे, क्या ऐसी कोई टू लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्लोप क्या हुआ, माइनस ए अपॉन बी यानी 1/2, इसका स्लोप कितना हुआ, 2/3, और इसका स्लोप कितना हुआ, माइनस का 4/2 यानी -2। यस, m1 और m3 क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -1 लिखेंगे, बिकॉज m1 m3 इक्वल टू क्या है, -1,
यानी L1 जो है L1 परपेंडिकुलर L3, तो यानी L1 और L3 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये L1 लेट कर लीजिए और ये L3 और यानी लाइन L2, तो ये इंटरसेक्शन ही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। यानी L1 और L3 का क्या निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर बेटा? तो L1 की लाइन है हमारे पास x-2y+3=0 और L3 इज लाइन इज 4x+2y+7=0। इन दोनों को सॉल्व कर दें तो आएगा x-2y+3=0, 4x+2y+7=0, देखिए 5x=-10, एक्स की वैल्यू -2 आ गई। अब एक्स की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो -2 -2y+3=0 बेटा यहाँ पर बचेगा -2y+1=0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ऑर्थो सेंटर आ गया -2, 1/2, तो पॉइंट होगा -2, 1/2, दिस इज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ।